इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच T20 का दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले को देखने के लिए लोगों में अभी से उत्साह नजर आने लगा। वहीं इस मुकाबले से पहले इंदौर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने भी कहीं कोई कमी नहीं रखी। मैच से पहले पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं ताकि आने वाले दर्शकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए जय सिमरिया की खास रिपोर्ट। सर, कुछ ही क्षणों के अंदर अभी क्रिकेट में शुरू होने वाला है इंडिया और श्रीलंका के बीच, यहाँ पे पूरी तरह से आप ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो ट्रैफिक को किस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा और किस तरह ट्रैफिक सुविधाएं दी जाएगी पब्लिक को, किस तरह पब्लिक को कोई यहाँ सुविधा ना हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? सर देखिए, इसके लिए पहले से प्लान बना हुआ है। जो सबसे पहला हमारा मुख्य मार्ग जो रेसकोर्स रोड है, उसका जो लेफ्ट साइड है वो ये देखा जाएगा कि अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, इसको हमने 9 व्हीकल जोन रखा हुआ है रिजर्व, तो हम इसे क्योंकि यहाँ से लोग पैदल आएंगे, दर्शक आएंगे जो अंदर जाएंगे, तो इसको 9 व्हीकल जोन बना के रखा हमने कि दोनों तरफ से डायवर्शन रहेगा, 9 व्हीकल जोन हो जाएगा, लोग पैदल आएंगे। जो हमारा लेफ्ट साइड वाला रास्ता है, राइट साइड वाला, उस तरफ से आएंगे जब, उसमें हम दोनों तरफ से व्हीकल्स को चलवाएंगे जिसमें कि आने जाने वाले को परेशानी हो, कहीं से भी ब्लॉक नहीं होगा, कहीं से भी आने जाने वाले को परेशानी होगी, बड़े वाहनों का आवागमन इस तरफ थोड़ा सा बंद रहेगा और भीड़ के अनुसार हम लोग ने डायवर्शन व्यवस्था रखी वो उसको लागू करेंगे। यदि किसी तरह से यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था बढ़ती है और गाड़ियों की वजह से कुछ ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो उसके लिए क्या हो रहा है? बिल्कुल, उसके लिए पहले से प्लान है हमारे तरफ, पूरे शहर में ट्रैफिक का बल लगा हुआ है और जैसे जैसे इस क्षेत्र में भीड़ बढ़ेगी, इस तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा ट्रैफिक का, तो उसका डायवर्शन पॉइंट हर तरफ बना के रखें चारों तरफ, तो वहाँ से धीरे धीरे हम उसको स्लो करेंगे जिससे कि यहाँ पे आने वालों को दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे कि हमें योगेश राजपूत जी ने बताया कि यहाँ जो 9 व्हीकल जोन बनाया जाएगा रोड को, और पूरी तरह से रोड पे जो ट्रैफिक सुविधा रहेंगी उनको एक साइड से रोड पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और एक साइड का रोड जो रहेगा पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा, वहाँ से दोनों साइड से आने जाने वाली गाड़ियों का आवन जावन रहेगा। शहर के होलकर स्टेडियम के अंदर कुछ ही क्षणों के अंदर शुरू होने वाला है इंडिया और श्रीलंका का क्रिकेट मैच। इस मैच को देखते हुए यहाँ पे पब्लिक का जमाव बड़ा शुरू होने लगा है। यहाँ साथ ही साथ यहाँ यातायात व्यवस्थाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने यहाँ पे यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए और यहाँ पे बैरिकेड लगाना शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ रोड भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और रोड के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था को देखते हुए किस तरह से यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है और यहाँ पे ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज किया आएगा। साथ ही साथ यह जो क्रिकेट मैच के साथ साथ जो स्टेडियम रहा है इंडिया टीम के लिए बहुत ही लक्की साबित हुआ है। यहाँ पे जब जब इंडिया टीम ने क्रिकेट खेला है यह हमेशा इंडिया टीम जीती है। कैमरा पर्सन भरत नरवले के साथ मैं हूँ जय सिमरिया, कैनन न्यूज़, इंदौर।